कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों आज की कक्षा में हम आपका अभ्यास 3.9 करेंगे, जिसमें आपको विभाग्यता सवाल दिए गए हैं, इनको भी आपको भाग के आधार पर ही करना है। मैंने आपको तीन संख्या वाले भागों को इसके अगले अभ्यास 3.8 में समझा दिया है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप इन विभाग्यता सवालों को भी करें। अब इसमें जैसे पहला सवाल आपको दिया है, 21 टीवी सेटों का मूल्य 95,865 रुपए है, एक टीवी सेट का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक से अधिक से एक का मूल्य ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, भाग की क्रिया अपनाते हैं। जैसे पहले मैं लिखता हूं आपको, चूंकि ये आपका पहला सवाल है, चूंकि 21 टीवी सेटों का मूल्य कितना दिया है, 95,865 रुपए, 95,865 रुपए, ओके। तो पहले आपको क्या करना होगा, एक टीवी सेट का मूल्य ज्ञात करना होगा। ये आपका 21 टीवी सेटों का मूल्य है, पहले आप एक टीवी सेट का मूल्य ज्ञात करें। तो आप लिखेंगे, इसलिए एक टीवी सेट का मूल्य। अब एक टीवी सेट का मूल्य ज्ञात करेंगे, आप क्या करेंगे, 95,865 में 21 का भाग लगाएंगे, 95,865 में 21 का आपको भाग लगाना है। तो 21 करना 21 गुना 42, 21 क्या 63, 21 चौक 84 और 21 पंजा 105, जो आपके पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करें, 21 चौक 84। अब वही अपनी घटाओ की प्रक्रिया, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, ऊपर से आपने क्या उतार दिया 8, अब 118 हो गया आपका। फिर आप 21 का पाड़ा बोले, तो 21 करना 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पांच 105 और 21 छक्की 126, फिर आपके पास ज्यादा हो जाता है। तो आप क्या करें, 21 पांजा 105, अब 8 में 5 गए 3, 1 का 1 ही 1 और 1 में से 1 गया तो 0 या क्रॉस 0 लगा दें। इसके अलावा आपका अगली संख्या आ रही है 6, ये 6 उतार दें आप, फिर वही 21 का आपको वापस पहाड़ा बोलना है। तो बच्चों अपने को वही 21 का पहाड़ा वापस इतनी बार बोलना है कि अपने पास या तो स्वयं 136 ही आ जाए, या इससे छोटी संख्या आना चाहिए, इससे बड़ी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप 21 का पहाड़ा फिर बोलना चालू करें, तो 21 करना 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 21 छह 126, 21 सता 157, जो आपके ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 21 सता 147, सॉरी, जो आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 21 पंजा 126 और 21 छह ज्यादा हो रहे हैं आपके पास, इसलिए आपको 21 पंजे तक ही बोलना है, 21 पांजा 126, 21 छंकी 126, 126। अब 136 में से आप 126 को घटाएं, 0, 6 में 6 गया 0, 3 में 2 गए 1, 1 में से 1 गया फिर 0, फिर ऊपर से आप 5 उतार दें। अब 105 हुए आपके पास, 21 पांजा 105, अब 105 में 105 आप घटाएंगे तो आपके पास 0 आएगा, यानी एक टीवी सेट का मूल्य आपके पास कितना हो गया, 4,565 रुपए। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक टीवी सेट का मूल्य 4,565 रुपए होगा। यहां पर आप इसका आंसर लिख दें, आप इसके नीचे लिख देना, मैं यहां लिख देता हूं, एक टीवी सेट
का मूल्य 4,565 रुपए होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको इबारती सवालों को कंप्लीट करना है। मैं अभी इसमें के एक सवाल, दो सवाल या एक सवाल और करके बता देता हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों इसी क्रम में मैं आपको इसका सेकंड सवाल बता रहा हूं। इसमें आपको दिया है एक बक्से में 148 सेब पैक हो सकते हैं, तो 23,348 सेबों के लिए कितने बक्से चाहिए। अब इसके लिए मैंने आपको जो अपनों ने साधारण भाग करे थे 3.8 में, उनमें मैंने आपको पहाड़ा करना बताया था। तो पहले आपको सबसे पहले तो 148 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको 148 का पहाड़ा आप किस प्रकार बनाएंगे मैंने आपको अच्छी तरह सिखा भी दिया है और आप समझ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले 148 का पहाड़ा बनाता हूँ, उसके बाद अपन इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले आप 148 का पहाड़ा बनाए, तो 148 करना, 148। अब अपना वही क्रम इस तरह अपन लाइन खींच देंगे, उसके बाद अपने को 8 का पहाड़ा बोलना है और 14 का पहाड़ा बोलना है। अब 8 करना 8 तो हो गया, 8 दूना 16, तो 16 के 6 और 14 दूना 16 के 6 और 1 80 प्लस 14 दूना कितने हुए आपके पास 28, तो 28 और 1 कितना हो गया आपके पास 29, यानी 148 दूना 296। फिर 6 48 किया, यानी 8 किया 24, 24 के फिर आपने 4 लिख दिए, ये 82 प्लस 14 तैयारी 42, अब 42 और 2 कितने हो गए आपके पास 44, फिर 8 चौक 32 के फिर 2 हसील 3 और 14 चौक 56, 56 और 3 59, फिर 8 पांच 40 की 0 80, फिर 4 और 14 पांच 70 यानी 70 प्लस 4 यानी 74 कितना हो गया आपके पास 740, फिर 8 पांच 8 छक 48, फिर 80 4 और 14 पांच 14 छक 84, ये 84 लिखे आपने, 84 और 4 कितने हो गए आपके पास 88, फिर प्लस 8 छक 8 सात 56 ये 6 और ये कितने आए आपके पास हसील 5 और 14 पांच 14 5 103। ठीक है, अब फिर 8 64 ये 4 और ये 6 और 112 और 6 118, फिर 8 9 72 ये 87 और 14 9 126 और 7 133, फिर 8 9 80 ये 0 और ये 8 प्लस 14 9 की 140, 140 और 8 148 यानी 1480। ठीक है, तो ये आपका बन गया 14 का पहाड़ा। अब 14 का पहाड़ा बनने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे से इसमें आपको संख्या देख देख कर सवाल को कंप्लीट कर लेना। जैसे आपका सवाल है, चूंकि एक बक्से में 148 से पैक हो सकते हैं, तो 23,384 सेबों के लिए कितने बक्से चाहिए। तो इसके लिए अपने को इसकी इबारत बनाना है,
अब आप इसकी इबारत देखेंगे। चूंकि एक बक्से में, ये आपका सेकंड सवाल है, चूंकि एक बक्से में, एक बक्से में पैक सेब 148, ओके, तो 23,384 सेबों के लिए बक्से होंगे, इसलिए 23,384 सेबों के लिए बक्से होंगे। कितने होंगे इसके लिए आपको वही 23,384 में 148 का भाग लगाना है। 23,384 में आपको 148 का भाग लगाना है। अब इससे आपको क्या हुआ कि आपके पास पहाड़ा तो कंप्लीट है, सिर्फ आपको भाग ही लगाना है, तो आप इसका भाग लगा लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे 100, अब आपके पास दो संख्या में तो आपकी संख्या छोटी हो रही है, आप तीन संख्या एक साथ लेंगे यानी 233 है। अब आप इधर देखें, 233 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है आपके पास, सिर्फ 148 ही आ रहा है, क्योंकि दो बार भी अगर आप 148 का भाड़ा बोलते हैं दो संख्या आएंगे आपके पास जो ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 148 से करना 148, एक ही बार बोलना है, क्योंकि इससे अगर दो बार बोला दो संख्या आएंगे जो आपके 233 से बड़े होंगे। अब 148 आए, वही घटाने की प्रक्रिया आपकी, तो 13 में से 8 गए तो 5, 13 में से 5 गए तो 8, और 2 में से 2 गया तो 0। अब ऊपर से आपने वापस 8 उतार दिया, अब आपका फिर 858 है। अब आप इधर देखें, 858 से छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही है आपको, 740, जो कितनी बार आ रहा है आपके पास, 5 बार आ रहा है। आप यहां पर 5 रखते हैं और इस 740 को उठाकर यहां पर रखते हैं, आपको पहाड़ा बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास भाग जो गुणा जो आपके पास पहाड़ा है वो कंप्लीट है आपके पास, इसलिए आपको सिर्फ ये गिनना है कि कितनी बार आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब आप यहां पर 740 लिखते, क्योंकि आप अगर 6 बार बोलते हैं तो 881 आते हैं जो आपके पास ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 898 से आप 740 को घटाएं तो 8 के तो 8 ही 8, 5 में 4 गया तो 1 और 8 में 7 गया तो 1, अब आपके पास कितना आया, 118। फिर ऊपर से आप क्या उतार देंगे, वही 4, अब 1184 हो गए आपके पास, ये आपके पास 1184 आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं वो गिन ले आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार आ रहा है, ओके। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 8 लिख देंगे और यहां पर 1184, 4 में 4 गए 0, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यानी कितने हुए आपके पास आंसर में, भागफल इसका कितना आया, 158, और यही आपका आंसर होगा। तो आप लिख देंगे इसका आंसर 23,384 सेबों के लिए कितने बक्से चाहिए, ठीक है। तो आप लिख देंगे 158 बक्सों की आवश्यकता होगी। इसके आंसर में क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, आप इसके नीचे लिख लेंगे, 158 बक्सों की आवश्यकता आवश्यकता होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सेकंड सवाल भी करना है, ओके। अब सेकंड सवाल के बाद आप इसका अगला सवाल करें। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको अब
इस 3.9 के और भी अन्य सवालों को कंप्लीट करना है। जैसे इसी का आपका तीसरा सवाल आ रहा है, 185 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 4,68,975 प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, पहले 185 का इसी तरह पहाड़ा बनाना है और पहाड़ा बनाने के बाद आपको 4,68,975 में 185 का भाग लगा देना है। आपको ये कुछ भी लिखने मतलब अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको खाली पहाड़ा बनाना है और पहाड़ा बनाने के बाद आपको इसी तरह 4,68,975 में 185 का भाग लगा देना है। ओके, तो आप इसी प्रकार से इस तीसरे सवाल को भी बाकी अन्य और सवालों को भी कंप्लीट करें ताकि आपका अभ्यास 3.9 कंप्लीट हो जाए। ओके।